गाइस मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं और इसको देखो भूख लग रही है ना, तो अपने आप उड़ गया। क्या चाहिए? भूख लग रही है, खाना खाओगे? रुको खाना लाता हूँ यहाँ पे, फिर इसमें सैलड बना रहा हूँ। चलो खाना खा लो। वो रखा है पीछे, ये रखा है पीछे, आ जाओ। फिर नहीं रखना, गिरा दिया। अब गिराना मत, ठीक है? क्या हो गया? बाहर आना है, बाहर मत आओ, ठंडी लगेगी। ऐसे उड़ के रहो ना, ठंडी नहीं लगेगी, ठीक है? सो जाओ। क्या लगा लिया बालों में? क्या तराई कर ले? चलो गाइस एक बार और तराई कर देते हैं, फिर उसके बाद आज पुट्टी कर देंगे। नहीं होगा गीला। अरे यार इसका क्या हाल है? खेलने में लगा हुआ है, सोया नहीं अभी तक। तो गाइस यहाँ पे 8 बज रहे हैं और निशु तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। बाल ऐसे खड़े मत कर। तो गाइज यहाँ पे मैंने इसकी घिसाई कर दी है अच्छे से और उसको पूरा चिकना कर दिया। अब इसके ऊपर पुट्टी चढ़ा देंगे, लेकिन पुट्टी चढ़ाने से पहले देखो झाड़ू लगाना पड़ेगा, कितना कचरा हो गया। इसे दिन साफ किया था, स्टूल पूरा गंदा हो गया। तो चलो अब ये कपड़ा भी निकाल लेते हैं। तो पहले कपड़ा निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद झाड़ू लगा लेंगे और फिर उसके बाद इस पर पुट्टी कर देंगे। तो गाइज अभी 8:20 हो रहे हैं, तो जल्दी से झाड़ू लगा। तो निशु को भी स्कूल ड्रॉप करने जाना है ना, तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं जल्दी से। तो गाइस निशु अभी अपने पानी की बोतल भर रहा है। चले फिर, टाइम हो गया ना, बस 5 मिनट पे चलते हैं। इतनी सारी कीलें लगी थी गाइस, यहाँ पे जो कपड़ा टांगा था ना मैंने, उसमें इतनी सारी कीलें लगाई थी, लेकिन अभी इधर का कपड़ा निकालना बाकी है। भाई चले। हाँ बस चल रही, कील निकाल दी, एक बार तो हाथ पहुंचेगा नहीं, ऐसे खींच देता। तो गाइस देखो कितनी सारी कीलें निकली यहाँ पे। तो मम्मी जब तक झाड़ू लगा देगी, जब तक मैं आता हूँ निशु को ड्रॉप करके। गाड़ी फुल चार्ज थी ना, 2514 किलोमीटर चली है गाड़ी। चलो बाय, जा रहा हूँ मैं। तो गाइस साथ हो गए, लेकिन लेट हो गए थोड़ा सा। तो गाइस फाइनली बैक होम, अब गाड़ी को चार्जिंग पर लगाते हैं। तो गाइस मम्मी ने अच्छे से झाड़ू लगा दिए और कील वगैरह भी उठा के रख दिया। तो कितनी सारी कीलें लगी थी इसमें, खराब वाली कीलें भी मिक्स कर दी क्या मम्मी आपने? तो गाइस यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट और पुट्टी मिक्स कर ली है। तो थोड़ा सी पुट्टी ली और थोड़ा सा हिस्सा वाइट सीमेंट का है, और यहाँ पे पानी ले लिया है, और साथ में ये जो पत्ती होती है लगाने के लिए पुट्टी को, तो वो ले लिया है। तो चलो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और फिर अप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो एक प्रॉब्लम हो गई है, ये जो पत्ती है ना, इसका ये हैंडल निकल गया। हैंडल तो नहीं, वैसे पाइप है ये एक तरीके से, बट ये निकल गया, अब इसको मुझे लगाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस ये हैंडल भी जोड़ दिया है और पुट्टी भी अपनी रेडी हो गई बनके। तो चलो अप्लाई करते हैं वहाँ पे। तो गाइस फाइनली ये वाला पिलर तो पूरा कंप्लीट हो गया है, बस ऊपर में थोड़ा सा हिस्सा बच गया। तो मेरे पास ना पुट्टी खत्म हो गई थी, पहले पुट्टी बना लेते थोड़ी सी, तो वाइट सीमेंट बना लेते थोड़ा सा और फिर उसके बाद ऊपर का एरिया कर देते हैं और फिर ये वाली वॉल कर देंगे। सो फाइनली गाइस ये वाला पिलर तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो ऊपर की ओर वो वाला हिस्सा है ना, वो भी बचा है। तो अभी फिलहाल इसको सूखने देते, डबल हाथ लेना पड़ेगा, तो पुट्टी लाना पड़ेगी, पुट्टी है नहीं अपने पास में। तो गाइस हाथों की हालत देखो क्या हो गई है, स्टूल उसी दिन साफ किया था, ये वाला स्टूल और टेबल उसी दिन साफ किया था, ये भी खराब हो गया। तो गाइस फाइनली यहाँ की पुट्टी हो चुकी है कम्प्लीट और इधर की भी पूरी कम्प्लीट कर दी है। अब इस छत की करना बाकी है, तो इसकी कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, आज तो थक गया मैं। तो गाइस चलो खाना खाते हैं। तो अभी फिलहाल 11:30 हो रहा है। तो गाइस आज खाने में भिंडी की सब्जी, दाल और रोटी, कल रात तो पराठा बनाया था तो वो बच गया, एक पराठा वो है, साथ में चावल। चल आ जा ले खाना खा ले। तो गाइस 12 बज चुके हैं, इसको भूख लग गई होगी। ये ले भाई खाना बन गया। इस घर को मैंने बड़ा कर दिया है, अब देखो कितना बड़ा हो गया, स्पेस काफी ज्यादा हो गया इसमें, फिर को इसके अंदर रखते हैं। क्या हो गया, उठ गए? धूप में चलोगे? धूप में चलोगे थोड़ी देर? बता, धूप में चलना है? धूप में चले अपन, ठंड लग रही है यहाँ पे। आ जाओ आपके नए घर में ले चलता हूँ आपको। चलो नए घर में चलते अपन, आ जाओ। ये नए घर में आ गए। धूप में अच्छा लग रहा है, अब ठंड तो नहीं लग रही ना? इधर आओ थोड़ा सा, धूप में आओ, इधर आगे, धूप में अच्छा लग रहा है। क्या हो गया, क्या चाहिए? अपना नया घर देख रहा है गाइज अभी ये। तो गाइज मैंने इसको अपने इसके नए घर में रख दिया है, थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया और यहाँ से गेट ओपन कर दिया,
तो उसको थोड़ा खुला खुला लगेगा, पैक सा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स रख दूंगा ताकि वो ना टाइल्स पे ना आ पाए। अब अच्छा है, बड़ा हो गया आपका घर? हाँ बोल रहा है। अब अच्छा लग रहा है? तो गाइस अभी 3 बजने वाले हैं, तो निशु की छुट्टी का टाइम हो गया है, तो अभी चलते हैं निशु को लेने के लिए। और यहाँ पे पपी देखो आराम से सो रहा है उसके नए वाले घर में। तो गाइस यहाँ पे मैंने जैकेट भी रख लिया क्योंकि ठंडी लगती है ना, तो ठंडी लगेगी ना तो मैं ये जैकेट पहन लूंगा। तो चलो हेलमेट डालते हैं और निकलते हैं यहाँ से। आ रहा हूँ मैं निशु को लेकर, ठीक है? यार कितना लंबा ट्रैफिक है यार, आज कब से लगा हुआ है सिग्नल। हाँ तो वहाँ पे बेकिंग शेक है भाई, केक खाए। फाइनली भाई ओपन हो गया। गाइस देखो रेल की पटरी यहाँ से आ गई, कहाँ से कहाँ आ गई थी भाई। BHEL फैक्ट्री में स्टेशन से आता है सामान मालगाड़ी में, हाँ, और सीधा फैक्ट्री में। लेकिन आज तक मेरे को ट्रेन नहीं दिखी। अब बंद हो गई ना वो ट्रेन वाली सिस्टम। अच्छा वो ट्रेन वाला सिस्टम बंद। देखो भाई कितना सारा सामान लाए, एक तो ये बैग हो गई और अभी देखो, और देखो अभी क्या दिखाता हूँ आपको, ये स्कूल बैग यहाँ रखी है, साथ में चार्जर भी रखा है, यहाँ पेंट का डब्बा भी रखा है, यहाँ पानी की बोतल भी रखी है, कितना सामान रखा है। देखा कितना सारा सामान आया गाड़ी में, क्या आया मम्मी? दीदी का कितना सारा सामान आ गया उसमें। तो गाइस दीदी का सामान लेकर आए ना। गाइस अभी मैं गाड़ी को चार्जिंग पे लगा रहा हूँ क्योंकि ना मुझे रेगमार लेकर आना है, सैंड पेपर जिसको बोलते हैं ना, तो अभी लेकर आते हैं और फिर उसके बाद आने के बाद चार्जिंग पर लगा दूंगा। उठ गए हो, नींद पूरी हो गई? निशु भैया आ गए। निशु भैया के साथ खेलोगे? खेलोगे निशु भैया के साथ? अरे अरे काटना नहीं, काटना नहीं, बैड हैबिट, काटते नहीं है। कहाँ है निशु दादा, आवाज दो उनको, आवाज दो, कहाँ है? अरे भाई तू ऐसे ही सूखे सूखे चावल खा रहा है, कड़ी तो डालो उसमें, गरम गरम कड़ी बनाई है उसको डाल के खा ले, अच्छी लगेगी। बिल्कुल नहीं, ऐसे सूखा अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा, मतलब अच्छा बनाया है। मैंने बनाया तो भी अच्छा नहीं बना। तो गाइस यहाँ मैंने भी ले लिए पुलाव, कड़ी पुलाव खाता हूँ मैं भी, बहुत टेस्टी बने यार आज के घर सही में। आप कोई पता ही नहीं। अरे मेरे लिए भी ले आओ पानी। नहीं पानी नहीं। अरे यार ये देखो गाइस, नई तकिया निकाली तो उसके बाद मस्ती कर रहा है भाई, वो सोने के लिए होती है, खेलने के लिए नहीं। नहीं मैं देख रहा हूँ कैसी है। वैसे कैसे चेक कर रहा है भाई, ये कौन सा तरीका है चेक करने का? मम्मी खराब कर रहा है तकिया। गई गई। तो गई हाँ मम्मी ने कवर बनाया तकिया के लिए, देखो कैसा होता है। अब पहले बनाया था तो ढीला हो गया था, अभी सही लग रहा है, वैसे मस्त लग रही है तकिया। इधर से कैसे पैक करेंगे उसको, सिल देंगे? नहीं तो ऐसे ही रहता ना, क्या होता है वो निकल जाएगा, लूज हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सिल दो, अभी तो और आएगा ऊपर, इधर से ढीला ही दिख रहा है मेरे को, गैप है अभी भी। तो यार मैं ना अरे कवर अभी चढ़ाया है, कांच का टेबल है, कुछ समझता ही नहीं है इसको। पर्दा आप निकाल तो दो, मैं लगा दूंगा, रुको मैं पकड़ता हूँ यहाँ से, ऐसे दबा देता हूँ ना। तो गाइस हमने पर्दे निकाल लिए हैं, अब हम लगाएंगे अपने यहाँ पे पर्दे क्योंकि धूल वाला काम तो फिनिश हो गया, यहाँ पे जो दीवार तोड़नी थी उस कारण से जो पर्दे हटा दिए थे, तो अब लगाएंगे पर्दे। पहले यहाँ पे लगाएंगे, एक अंदर लगाएंगे, एक बाहर लगाएंगे। तो गाइस ये सामने वाला जो है ना, जहाँ पे पर्दा टांगने का पाइप लगाते हैं, तो उसका होल्डर निकल गया, तो ये मेरे हाथ में आ गई होल्डर, तब इसको वापस से लगाना पड़ेगा वहाँ पे। तो गाइस रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे पप्पी को देखो कितने आराम से सो रहा है, तो मैंने ना उसके नीचे कंबल भी रख दिया है ताकि उसको ठंडी ना लगे, और साथ में चादर भी उड़ा दी है, तो मस्त तरीके से चादर में लपेट के सो रहा है वो। तो घर भी मैंने बड़ा कर दिया ना, यहाँ पहले पैक था ऐसे में, जैसे वहाँ से वो पैक है ना उस तरीके से, यहाँ से स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर बॉक्स था, तो मैंने इसका एक साइड खोल दिया, तो ये ना इसका घर काफ़ी बड़ा हो गया। और वहाँ पे 2 बॉक्सेस लगा दिए ताकि वो उधर से टाइल्स पे ना जाए, ठंडा है ना क्योंकि टाइल्स पे ठंडी रहती है ना टाइल्स पे, इसलिए मैंने वहाँ बॉक्स लगा दिए। तब इसको सोने देते हैं और यहाँ पे मैं फ़िलहाल एडिटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस अभी फ़िलहाल एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ और इस ब्लॉग को अपलोडिंग पे लगाता हूँ। तो आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं, अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना।
मिलते हैं आपसे कल एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।